T-Series. PewDiePie. PewDiePie versus T-Series. PewDiePie. PewDiePie versus T-Series. PewDiePie versus T-Series. PewDiePie versus T-Series. T-Series. PewDiePie. T-Series. T-Series. अरे चुप, दिमाग खराब हो गया है क्या? Hey guys, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जस्मिन पटेल और आप देख रहे हैं Gchills और आज का हमारा टॉपिक है PewDiePie versus T-Series। चलो शुरू करते हैं। आई होप कि मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि PewDiePie क्या है, T-Series क्या है और ये PewDiePie versus T-Series क्या है। सच बताऊं, मेरा तो ना दिमाग घूम जाता है ये टाइटल सुन के, PewDiePie versus T-Series। क्यों भाई, हम लोगों के पास और कोई काम ही नहीं बचा क्या? और कोई कंटेंट ही नहीं बचा क्या इसके अलावा? जिसको भी वीडियो बनाना है बनाओ, जिसको शेयर करना है करो, सब्सक्राइब करना है करो, सपोर्ट करना है करो, लाइक करना है करो, जो करना है करो। सवाल यह है कि ये दोनों YouTube चैनल के बीच में इंडिया कहां से आ गया भाई? बात कहां से शुरू हुई थी और आज कहां पर आ गई है? अरे वो गांडू लड़का जिसकी आदत ही है सबको उंगली करने की, उसको ये भी नहीं पता है कि इंडिया कहां पर आया हुआ है। एक्चुअली उसको इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता है, कभी इंडिया को बांग्लादेश बोलता है, कभी बांग्लादेश को इंडिया बोलता है। उसकी चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर वो सबकी मजाक उड़ा रहा है, सबकी उंगली कर रहा है, मतलब वो उसका स्टाइल है, उसकी चैनल का कंटेंट ही यही है। मतलब वो पहले भी अपना काम कर रहा था, आज भी अपना काम कर रहा है। चलो एक बात खत्म हुई। और टी सीरीज बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है जिसके यूट्यूब चैनल के ऊपर बॉलीवुड के सॉन्ग्स, ट्रेलर वगैरह लॉन्च होते रहते हैं और उसके पैसे टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन वालों से लेती है, मतलब वो भी अपना काम कर रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इतना फ्री टाइम है हमारे पास यार, पूरा दिन टी सीरीज PewDiePie, टी सीरीज PewDiePie, PewDiePie को ना छोड़ेंगे ना हम लोग, हमारे देश के बारे में बोला। अरे वो चाहता ही है कि हम लोग ऐसे रिएक्ट करें, तभी वो गालियां बोलता है, तभी वो ऐसी हरकतें करता है, उसका काम ही है उंगली करना। वो चाहता ही है कि हम लोग ऐसे रिएक्ट करें ताकि उसके सब्सक्राइबर बढ़े, और बढ़ रहे हैं भाई। पिछले दिनों में, थोड़े दिनों के अंदर उसने 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स इकट्ठा कर लिए हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी हमारे देश की भावना जोड़ देते हैं। अरे दो YouTube चैनल का प्रॉब्लम है यार, हमारे देश को बीच में क्यों घुसा रहे हम लोग? और सबसे मजेदार बात, वो गांडू वहां पर बैठा बैठा उल्टे सीधे गाने बनाता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है और हम लोग उसे दिल पर ले लेते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती हम लोग हमारे देश को बीच में लाते हैं, जबरदस्ती हम हमारी भावनाओं को उसके साथ जोड़ के रिएक्ट करते हैं। चलो मान लिया सब सही है, वो गधे को हमारे बारे में, हमारे लोगों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो उसने गलत किया, मान लिया। लेकिन टी सीरीज ने अब तक रिएक्ट क्यों नहीं किया? टी सीरीज कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? टी सीरीज उसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? सोचो, अरे टी सीरीज इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, उसके सामने PewDiePie कुछ नहीं है यार। अभी टी सीरीज वाले हर किसी को थोड़ी ना जवाब देते घूमेंगे, वो अपना बिजनेस लेके बैठे, अपना बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स इट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं यार। चलो मान लिया कि टी सीरीज हमारे देश की यूट्यूब चैनल है, हमें उसे ही सपोर्ट करना चाहिए ना कि PewDiePie को, हमें टी सीरीज को ही सब्सक्राइब करना चाहिए ना कि PewDiePie को, हमें टी सीरीज को ही लाइक करना चाहिए, उसके सारे वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए ना कि PewDiePie के, मान लिया। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि टी सीरीज हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है भाई, हमारी आर्मी, हमारे प्लेयर्स, हमारे साइंटिस्ट हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे, टी सीरीज नहीं। क्या हम लोगों ने कभी किसी सोल्जर के लिए, किसी साइंटिस्ट के लिए, किसी प्लेयर के लिए या किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो सच में हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, उनके लिए कभी इतना तूफान खड़ा किया है क्या? उनको कभी इतना फेम दिया है क्या हमने? टाइम नहीं अपने पास भाई, तो इन लोगों के लिए क्यों इतना यार? एक सिंपल सा मैटर है जिसके अंदर दो यूट्यूब चैनल है, एक हमारे देश की है, एक बाहर की है, दोनों की कॉम्पिटिशन है और हम चाहते हैं कि हमारे देश की चैनल ही फर्स्ट नंबर पर आए, जो अभी सेकंड नंबर पर है। लेकिन हमारे देश की यूट्यूब चैनल सेकंड नंबर पर है, हमारा देश सेकंड नंबर पर नहीं है। इस बात को अच्छे से हमारे दिमाग में उतार लेना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम उल्टी सीधी हरकतें करें, उसको फेमस करें, उसको फेम दे ताकि उसके सब्सक्राइबर बढ़े और उसको ज़्यादा पैसे मिले। तो प्लीज़ उसको गाली बोलने के चक्कर में उसको सपोर्ट मत करो, अगर सपोर्ट करना है तो चुपचाप टी सीरीज को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दैट्स इट। इन शॉर्ट, PewDiePie भी अपना काम कर रहा है और टी सीरीज भी अपना काम कर रही है। PewDiePie एक इंडिविजुअल क्रिएटर है और टी सीरीज एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है। PewDiePie ने सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए बहुत सारी गालियां बोली हमको
और बहुत सारे गलत तरीके अपनाए हैं, लेकिन हमको उसको जवाब कैसे देना है, ना कि उसके बारे में वीडियोस बना के। हमको टी सीरीज को सब्सक्राइब करना है, उसके वीडियोस को लाइक करना है, उसे शेयर करना है। जब टी सीरीज फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी तो उसको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर मिलेंगे मोस्ट मीनिंगफुल वीडियोस। ओके, देन मिलते हैं बहुत जल्द। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।